हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऊषा सांगवान इंग्लिश वाली। और आज हम अब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कोरोना की वजह से जो स्टूडेंट्स में डिस्ट्रैक्शंस आए हैं वो कौन से एरिया हैं। स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन आया है ऑनलाइन स्टडी की वजह से, बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है मोबाइल फ़ोन की तरफ। और मोबाइल फ़ोन क्यों चाहिए उसे? सोशल साइट्स यूज करने के लिए, लाइक कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता सोशल साइट्स किस तरह से यूज की जाती हैं। हमें उनका सहारा बनते हुए सारे टाइम उनको बहुत ज़्यादा डांटना फटकारना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा उन्हें बताना है कि अब पढ़ाई का टाइम आ गया है, अब एग्जाम्स का टाइम आ गया है, तो यहाँ थोड़ा सा उन्हें प्रिपेयर करना है। और किस तरह से प्रिपेयर करना है, अभी स्टूडेंट्स अभी सुनो मुझे ध्यान से, आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल मेंटेन करना है। सबसे ज़्यादा आपको ये देखना है कि आपका वीक एरिए कौन से हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे टेंथ का स्टूडेंट्स है, चाहे ट्वेल्थ का स्टूडेंट्स है, क्योंकि 20th February से ट्वेल्थ के एग्जाम शुरू हैं, 27th से टेंथ के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो आपको अपना जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको एक तरफ रख लेना, वीकर पोर्शन उन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। मोबाइल फ़ोन का लेस यूज करना है आपको। और सबसे बड़ी बात है कि आपको थोरली एनसीईआरटी की स्टडी करनी है। एनसीईआरटी की स्टडी करते हुए अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एक नोटबुक उठानी है। मान लो फॉर एग्जांपल हमारा इंग्लिश का ही कोई लेसन है, लास्ट लेसन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, उसकी लोकेशन कैसी है, उनके मेन क्वेश्चंस कौन से हैं, शॉर्ट कौन से बन सकते हैं। इस बार जो है ना, जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें लिटिल बिट चेंज आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि NEP जो गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है नेक्स्ट सेशन से, फुल फ्लेज पूरी कोशिश रहेगी उनकी, तो वो इस तरह से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। इस बार 30% सिलेबस फिर भी कम है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आप इसको थोरोली कर सकते हैं। और नोट्स बनाते हुए सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो हर सब्जेक्ट के अंदर केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस पे करना है, क्योंकि यही वाले क्वेश्चन हैं जो ट्विस्ट होके आएंगे और जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। प्रॉब्लम क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सोल्यूशन सेम होता है, बट वो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रहा है, वहाँ थोड़ा सा आपको ट्रिकी माइंड यूज करना है। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन सिंपल है, आंसर वही होते हैं। आप ये देखो बेटा, आएगा कहाँ से आंसर? उसी चैप्टर में से आएगा, उसी टॉपिक में से आएगा, चाहे फिजिक्स का टॉपिक है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे SST है, चाहे इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसी टॉपिक में से तो आ रहा है ना। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, ध्यान से पढ़ना है, और कैसे उसको बनाना है वो आपको देखना है। लेकिन अब स्ट्रिक्टली 20-22 दिन है, इनको बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। फिर भी अगर आपको इंग्लिश में स्पेशली 10th और 12th के किसी भी टॉपिक में लग रहा है आपको कि इस टॉपिक में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करें, और कमेंट के बाद में मैं उस टॉपिक की जो समरी है, मेजर क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अगर मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं तो वो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हैं, मैं उसके अंदर नोट्स बना करके शेयर कर सकती हूँ। मेरे पास सब कुछ प्रिपेयर है, बस शेयर करना बाकी है। ठीक है, थैंक यू।